नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस नीम के पेड़ का। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ये नीम का पेड़ है, इसके कुछ पत्ते हमने तोड़ा है। ये नीम का पेड़ इंसानों में जितना ही का फायदेमंद काम करता है, उतना ही गाय और भैंसों के लिए भी बहुत ही रामबाण इलाज है। तो कई तरह के बीमारियों को ये नष्ट करता है। तो पहला बीमारी का नाम हम बताते हैं, जैसे कोई खुजली हो गया है गायों का, तो इसको खिलाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पशु को अगर ब्लड दूषित हो गया है, ब्लड दूषित होना मतलब जो है ब्लड में किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम होने पर सफाई करता है, दूध की गुणवत्ता में सुधार करता है। और जो इसका मुख्य जो काम है वो गाय भैंस के जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, उस कीड़े को खत्म करने में भी सहायक होता है। प्लस जो जितने भी जो है गाय भैंस को जू हो जाते हैं, उसको भी ये जड़ से खत्म करता है अगर महीनों दिन तक आप इसे खिलाते हैं। प्लस पशु को तरह तरह के रोग में जो इन्फेक्शंस है, जो पेट में घाव है, अंदरूनी चोट है, उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो आप पशुओं को इसको अवश्य खिलाएं, और जिससे कई रोग से ये बचाएगा। और आप इसका इस्तेमाल कई प्रकार के पशुओं के बीमारियों में कर सकते हैं, खास करके जो गाय भैंस का जो आपको दिक्कत होता है कि गाय जो है बार बार जो है गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है, कई रोग से ग्रसित हो जाती है, तो उन रोगों से आप इससे बचाव कर सकते हैं। ये बचाव करने के लिए आप जो है जो बैक्टीरिया जनित रोग है उससे ये बचाता है। जितने भी बैक्टीरिया गर्मी में आप पशुओं को अवश्य खिलाएं, बरसात में इसे खिलाएंगे तो जो बैक्टीरिया होता है पशुओं को वो होने नहीं देगा। और जितना भी वायरस और बैक्टीरिया जनित रोग से एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है इसके अंदर, जिससे गाय भैंस को सुरक्षित करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पशुओं में और करके देखिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा नीम के पत्ते का। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारी गाय है, इसको रेड वाटर का प्रॉब्लम है, ये रेड वाटर हो रहा है। तो हमने इसमें नीम, गिलोय और शीशम का पत्ता इस गाय को खिला रहे हैं। तो इधर रेड वाटर थोड़ी देर पहले की थी, तो ये इन्फेक्शन के वजह से, गर्मी के वजह से या फिर फास्फोरस की कमी के वजह से कई प्रकार के दिक्कत से होता है। हम गाय के देखिए, शीशम के पत्ता, नीम के पत्ता, गिलोय, उन सब चीजों को हमने ले आन के दिया है। तो ये है, आप देख सकते हैं, देखिए गाय खा रही। अगर इसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, हीट है, गर्मी है शरीर में, या फिर जो है फास्फोरस की कमी है, वो इस चीज से खत्म हो जाती है। आप भी गायों को खिलाएं, जब आपकी गाय को रेड वाटर होने लगे तो रेड यूरिन का ये अचूक इलाज है, आप खिला सकते हैं। देखिए गाय खा रही है, खाएगी तभी ठीक होगा। तो ये प्रॉब्लम इसको करीब करीब 10 दिन से ज्यादा है, और बीच में हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए अभी तक ठीक नहीं हो पाई थी। इसके सेहत में काफी गिरावट आने लगी थी, तो अब हम इसे जो दे रहे हैं इससे ठीक हो जाएगा, 2 दिनों के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। आराम से खा लेती है, आप देख सकते हैं खा रही है। इसके नाद में हम डाल दिए ले आकर के, और जो ओवर हीट या फिर इन्फेक्शन या फास्फोरस की कमी, ये 3-4 कारणों से ही रेड वाटर या रेड यूरिन होता है गायों में। तो जो है
अगर ये खा लेता है तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप भी आपके पशु को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पक्का खिलाइए, 100% खिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। इसको गाय को अवश्य खिलाएं और जो है रेड यूरिन से बचाएं। इस बात का खासा ख्याल रखें कि गर्मियों के मौसम में एचएफ गाय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है और उससे निपटने का तरीका आपको आना चाहिए। और ये गाय है, ये काफी हद तक खा लिया है और अभी खा जाएगा, तो अभी मिल्क निकालने के लिए वो गाय बोल रही है। उसका खाना पीना दोनों सबका कंप्लीट हो गया है, तो आप भी जो है इसका इस्तेमाल करें जब पशु को रेड यूरिन होने लगे तब। ये था आज का जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से रेड यूरिन या वाटर को खत्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो आप भी इस्तेमाल करें जब भी आपके पशु को ऐसा भी कोई। इसमें आंवला के पत्ता भी ऐड कर सकते हैं या आंवला खिलाएं, तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।